गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेदों के बारे में। पहले हम इसके दो भेद पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, यड़ संधि और ऐ संधि। वृद्धि संधि का नियम है कि जब ऐ या आ के बाद ए या आई आ जाए तो आई बन जाता है। पहले पद में क्या होना चाहिए? ए या आ होना चाहिए, उसके बाद ए या आई आ जाए तो आई बन जाता है। दूसरा नियम है, यदि ए या आपके बाद ओ या औ आए तो औ बन जाता है। ए या आपके बाद ओ या औ आए तो औ बन जाता है। जबकि गुण संधि में ए या आपके बाद ई आएगा तो ए बनाता और ए या आपके बाद ऊ आएगा तो ओ बनाता। लेकिन हमारा ये नियम कहता है कि ए या आपके बाद ए या आई आए तो ए बन जाएगा और ए या आपके बाद ओ या औ आए तो औ बन जाएगा। दो नियम मैंने यहाँ पर लिखे। फर्स्ट नियम है, पहले पद में ए या आ आना चाहिए, सेकंड पद में ए या आई आना चाहिए, तब जाके आई बनेगा। सेकंड नियम है, पहले पद में ए या आ आना चाहिए और सेकंड पद में ओ या औ आना चाहिए, तब जाके बनेगा औ। जैसे कि हमने रिवर्स में अत्रेय, अब अत्रेय लिखा, यहाँ पर ऐ की मात्रा है यानी कि वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का नियम कहता है पहले पद में ए या आ आना चाहिए। इसको अलग करेंगे तो अत्र प्लस सेकंड पद में ए या आई आना चाहिए तो एव, अत्र प्लस एव अत्रेय, अत्र प्लस एव अत्रेय। दूसरा नियम कहता है कि ए या फिर ओ या औ आना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल है महोदम, औ की मात्रा दी तो वृद्धि संधि हो गई। नियम कहता है कि पहले पद में ए या आना चाहिए। संस्कृत में महा होता है, महा मतलब बड़ा महान, और दूसरे में ओ या औ आना चाहिए तो महा प्लस औषधम, ये आपकी वृद्धि संधि के दो नियम होंगे। फर्स्ट नियम कि ए या आपके बाद ए या आई आ जाए तो बन जाएगा। सेकंड नियम, ए या आपके बाद ओ या औ हो तो औ बन जाएगा। फोर्थ संधि हमारी स्वर संधि में यण संधि। यण संधि में जब पहले पद में ई ऊ री और ली आ जाए, पहले पद में क्या जाए, ई ऊ री और ली आ जाए, उसके बाद कोई भी ए समान स्वर होना चाहिए। क्या चाहिए? ए समान स्वर, मतलब कि समान स्वर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये कि ई के बाद द्वारा ई नहीं आना चाहिए, ऊ के द्वारा ऊ नहीं आना चाहिए, ए समान स्वर आना चाहिए। तो ई का बन जाता है ऊ का बन जाता है री का बन जाता है और लीली का बन जाता है लै। ठीक है बेटा, जब ई या ऊ री ली के बाद कोई भी ए समान स्वर आ जाए, क्या जाएगा, ए समान स्वर आ जाए तो ई का बन जाएगा, ये ई का बनता है, ये ऊ का बनता है, री का बनता है और लीली का बनता है लै। ठीक है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ई ऊ री और लीली, ये पहले पद में आना चाहिए, सेकंड पद में ए समान स्वर आ जाएगा, समान स्वर आ जाएगा दीर्घ संधि बन जाएगी हो, तो ई का बनेगा ये, ऊ का बनेगा वह, री का बनेगा वह और ली का बनेगा ल। इसके एग्जाम्पल है इत्यादि, अन्वय। इसके एग्जाम्पल इत्यादि, अन्वय, इत्यादि, अन्वय, स्वागतम, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। इत्यादि या क्या, यह क्या आधा बनाया, यह क्या बनता है ई, तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अन्वय, वह क्या आधा बनाया, न, वह का बनता है ऊ, तो अनु प्लस है, अनु प्लस है। स्वागतम, तो इसका बनेगा सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। या फिर यण संधि हो गया, यण संधि में नियम कहता है कि यदि पहले पद में ई ऊ री और लिरी आ जाए और सेकंड पद में ए समान स्वर आ जाए, समान स्वर आ जाए तो ए समान आना चाहिए, अगर समान स्वर आए तो दीर्घ संधि बन जाएगी। ए समान स्वर आएगा तो ई का बनेगा ये, ऊ का बनेगा वह, री का बनेगा लह और लिरी का बनेगा लह। तो ये हमारी वृद्धि संधि यण संधि होगी। और हम पढ़ेंगे अयादि संधि, आप लोग फटाफट से लिख लीजिए बेटा। हम पढ़ेंगे अयादि संधि बेटा। अयादि संधि का नियम कहता है कि यदि
प्रथम पद में ए आई ओ और औ आ जाए, क्या कहता है? यदि प्रथम पद में ध्यान देते, यदि प्रथम पद में ए आई ओ या औ इन चारों से कुछ भी आ जाए, ठीक है। पहले पद में क्या नाम चाहिए? ए आई ओ या औ, इनमें से कुछ भी आ जाए। और द्वितीय पद में कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी एनी स्वर, ए आ ई ऊ ए आई, कुछ भी, स्वर आए तो प्रथम पद में ए आई ओ आ जाए, सेकंड पद में कोई भी स्वर आ जाए, एनी, तो ए का तो बनता है आए, ठीक है, आए का बनता है आए, ओ का बनता है अव, और औ का बनता है आव। यदि पहले पद में ए आई ओ आ जाए, सेकंड पद में कोई भी स्वर आ जाए, तो ए का बन जाएगा आए, आए का बन जाएगा आए, ओ का बनेगा आओ, और औ का बनेगा आओ। जैसे कि ए आए ओ और आओ, ठीक है। कोई भी स्वर आ जाए इनमें, कोई भी एनी स्वर, तो ए का बन जाएगा आए, आए का बन जाएगा आए, ओ का बन जाएगा आओ, और आओ बन जाएगा आओ। यह आपकी अयाची संधि है। एग्जाम्पल इसका नैनम पवन पावक, नयन का जब अलग करेंगे ने प्लस अनम, पवन का ओ प्लस अनम, और पावक का पव प्लस अक, ठीक है का। तो हमने पढ़ी स्वर संधि के भेद, हमारे कोर्स में पांच भेद, हम पांचों का वर्णन कर लिया। हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और त्रयाधि। दीर्घ संधि में दीर्घ वर्ण आते आ बड़ी ई बड़ा ओ बड़ा री। गुण संधि की पहचान होती है इसमें ए ओ अर और अल वर्ण आते। वृद्धि संधि में आई और औ, यण संधि में ई का ये बनता है, ऊ का वह बनता है, री का रह बनता है, ली का ल बन जाता है, और ऐ संधि में ए का ऐ, आई का आय, ओ का औ, औ का औ बन जाता है। तो हमारी पांचों संधि हो गई। आपको इसे में करना भी है और याद भी करना है। आज से इतना ही है। थैंक यू। लिख लेना बेटा इसे।